Good morning, all of you. Myself Jayesh Rawal from Thamra Education Institute. We will study in math of third standard, chapter 3. Chapter 3 में हम लोगों ने last day जो discuss किया था उससे आज आगे बढ़ेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर हमको एक example दिया गया है. यहाँ पर 47 इज इक्वल टू 37 प्लस 10. यहाँ पर क्या है, 47 इज इक्वल टू 37 प्लस 10, यानी कि जब 37 में 10 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 47. ठीक है. तो वैसे ही हम लोगों को ये जो वाला सम है उसे कंप्लीट करना है. तो कैसे करेंगे उसको कंप्लीट, तो आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट क्या है, 37 प्लस 9 इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि यहाँ पर हमको ये जो है वो कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर मैं जो पेज है उस पर मैंने ये सम किया हुआ है. तो आइए उसको कैसे कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है 9, ठीक है, 9 में 7 ऐड करेंगे या तो 7 में 9 ऐड करना है. तो यहाँ पर बड़ी जो बड़ा जो नंबर है वो 9 है, इसलिए 9 में हम लोग 7 ऐड करते हैं. कैसे, ऐसे. तो फर्स्ट हम लोगों को ऐसे 7 लाइन कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो 9 के बाद हमको गिनती करनी है. तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 और 16, क्या आया, 16. यहाँ पर 16 आता है तो उसका जो ये फर्स्ट वाला आगे का जो है 6, वो यहाँ पर हमको 7 और 9 के नीचे रखना है, ऐसे 6. और जो यहाँ पर 1 बचा वो 3 के ऊपर जाएगा, ठीक है. तो 3 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाते हैं, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 46. कितना आया, 46. इसलिए यहाँ पर हम लोग 46 कर देंगे. वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस. तो 65 माइनस 30 इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि इसको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है तो उसको कैसे कंप्लीट करते हैं. तो आइए देखते हैं, 5 में से 0 जाएगा तो कितना रहेगा, 5. कितना रहेगा, 5, ठीक है. और 6 में से 3 जाएगा ऐसे. पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 लाइन ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6. तो ये जो 6 लाइन है उसमें से हम लोग 3 लाइन कट करते हैं ऐसे, 1 2 और 3. तो जो कट किए बिना जो लाइन बची, 1 2 3, तो ऐसे ये जो 3 लाइन बची तो ये यहाँ पर 6 और 3 के नीचे हम लोग ऐसे 3 रख देंगे तो कितने हो जाते हैं, 35. ठीक है, हमारा आंसर कितना आता है, 35. ठीक है. वैसे ही ये जो नीचे दिए गए सभी सम उसको हमको क्या करना है, सभी एग्जांपल जो दिए गए उसको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 46 प्लस 21. कितना दिए गए, 46 प्लस 21. तो यहाँ पर 46 मैंने लिखा है और प्लस 21 लिखा है. तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 7. और 40 में 2 ऐड करेंगे तो 4 के बाद क्या आता है, सॉरी, 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो ऐसे 4 के बाद 5 और 6. 2 जो लाइन है वो ऐड करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 6. यानी कि इसका आंसर कितना आया, 67. तो यहाँ पर हम लोग 67 कर देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 87 माइनस 30, यहाँ पर मैंने 87 माइनस 30 लिखा हुआ है, यानी कि 7 में से 0 क्या करेंगे, बात करेंगे, कम करेंगे तो कितना रहेगा, 7. ठीक है, कारण क्योंकि 7 में से 0 हम लोग कम करते हैं तो
वही का वही रहेगा 7, ठीक है। और 8 में से 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना रहेगा 5। यहाँ पर मैंने सिखाया था ना वो आगे ऐसे, पहले क्या है जो ऊपर का 8 है उसके ऐसे 8 लाइन कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 में से 3 लाइन कट करनी है, 1 2 3, तो कितनी पीछे जो लाइन बची है वो कितनी बची है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाता है 5, ठीक है। नीचे तो ये कितना हो जाता है 57, इसलिए यहाँ पर 87 में से 30 जाएगा तो कितना रहेगा 57, ठीक है। वैसे ही इन सभी को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आइए उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर 66 माइनस यहाँ पर ब्लैंक इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। तो 66 में से कितने जाएंगे, तो 11 बचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो 66 दिया गया है और इज इक्वल टू 11 है, तो 66 में से 11 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पर जो हमें आंसर चाहिए वो आ जाएगा कैसे, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग ऐसे, 66 में से 11 माइनस करेंगे तो कितने बचते, आए करते 6 में से 1 माइनस होते तो 5 बचता है, वैसे 6 में से 1 माइनस करते हैं तो 5 बचता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर कितना आता है 55। तो यहाँ पर हम लोग 55 ऐसे कर देंगे, तो आप लोग इसे चेक करेंगे तो 11 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 36 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस 9 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, तो 9 में कितने ऐड करेंगे तो 36 मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या 36 है, ठीक है। इसलिए 36 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो हमको जो आंसर यहाँ पर चाहिए वो मिल जाएगा। तो आइए कैसे करते हैं, तो 36 में से 9 ऐसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 6 में से 9 नहीं जाते, तो आगे से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दशक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड में से 1 कम होगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर 10 ऐड करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 में से 9 जाएगी तो कितना रहेगा, तो 9 के बाद 16 तक हम लोग गिनती करेंगे, ठीक है। तो कितना बचता है 7, कितना बचता है 7, ठीक है। और यहाँ पर तो 9 के आगे जो है वहाँ पर तो हमको 0 ही काउंट कर लेना है, ठीक है। तो 2 में से 0 जाएंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा आंसर कितना आता है 27। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 27, ठीक है। ऐसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 45 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 99, ठीक है। यानी कि 45 में कितने ऐड करेंगे तो 99 आएंगे, तो उसमें भी आगे जो हमने किया था वैसा ही करना है, 99 में से 45 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा कैसे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 9 में से 5 जाएगा तो 4 रहेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाता है 54। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 40 प्लस SI ब्लैंक दिया गया है इज इक्वल टू 76, इसलिए 76 में से 40 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पर मैंने 76 माइनस 40 किया गया है, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6, 7 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे 3, ठीक है। वैसे ये सभी हम लोगों को नीचे दिए गए वो कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ का आंसर हमारा कितना आ जाए 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ब्लैंक प्लस 26 इज इक्वल टू 75, यानी कि 75 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आता है, तो 5 में से 6 नहीं जाता तो यहाँ पर 10 लेके 15 कर देंगे, इसमें से एक जाएगा तो 6 रहेगा, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा तो 9 रहेगा, और 6 में से
टू जाएंगे तो फोर, ठीक है, यानी कि इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 49, ठीक है। वैसे ही 98 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस 15, यानी कि 98 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 8 में से 0 जाएगा तो 8 रहेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 48, तो यहाँ पर हम लोग 48 रख देंगे। वैसे ही यहाँ पर ब्लैंक माइनस 21 इज इक्वल टू 35, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जिसमें से 21 जाएगा तो 35 रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो 35 में हम लोग 21 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस होगा तो बड़ी संख्या में बड़ा जो नंबर होगा उसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस, तो 35 में प्लस 21 करेंगे तो कितना आंसर आता है, आइए चेक करते हैं। यहाँ पर तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। वैसे ही दूसरा 57 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 20, यानी कि 57 माइनस ब्लैंक, तो 57 में से कितने जाएंगे तो 20 रहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 57 माइनस 20 करेंगे तो हम लोगों को यहाँ का आंसर मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ पर कौन सा आंसर आया हमारा 37, कितना आया 37, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 37। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।